हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन। कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन ये कहती है, द सिस्टम हुज एलिमेंट आर बाउंडेड टू गिव डिजायर आउटपुट इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जो भी हम कंट्रोल इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट भी कंट्रोल मिलना चाहिए, उसे हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जांपल एसी है, फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं। एसी में क्या होता है कि एसी में टेम्परेचर को हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ैन को भी हम रेगुलेटर से उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही रेफ्रिजरेटर को भी हम मैनेज कर सकते हैं, उसको भी हम टेम्परेचर उसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम की ये डेफिनेशन हुई, और कंट्रोल सिस्टम की ये हम इजी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी हम कंट्रोल इनपुट देंगे वही हमें कंट्रोल आउटपुट मिलेगा, तो उसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे उसके दो टाइप्स। तो कंट्रोल सिस्टम के दो टाइप्स हैं, फर्स्ट है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और सेकेंड है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ओपन लूप किसे कहते हैं और क्लोज लूप किसे कहते हैं, उसके लिए एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि इनपुट जो देते हैं वही हमें आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल जो फ़ैन है, अब फ़ैन को मैंने चार ऊपर रखा है, अब चार ऊपर रखा तो वो फ़ैन चार पर ऐसे ही घूमता रहे, ओके। अब वहाँ पे कोई लड़का या कोई भी आके उस पे लटक जाए तो उसकी स्पीड में डिफरेंस आएगा, तो वो एरर आएगा। तो वो एरर हम ओपन लूप सिस्टम में कुछ नहीं कर सकते, ओके। जो हमें इनपुट दिया वही हमें आउटपुट मिलेगा, और वो एरर को वह एरर ही रहेगी, तो उसे हम कहते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, फीडबैक होता है, इसमें दिया ही है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं होता, और वो अपने आप करेक्ट नहीं होता, डज नॉट करेक्ट इट्सेल्फ, और लेस एक्यूरेसी होती है, ओके। तो वो हुई ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की बात। अब आया क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे हम रेफरेंस इनपुट देते हैं, फिर एरर सिग्नल है, एम्पलीफायर है, कंट्रोलर है, प्रोसेस है, फिर फीडबैक आता है और आउटपुट आता है। ओपन लूप और क्लोज लूप में क्या है, ओपन लूप में फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती और क्लोज लूप में फीडबैक की ज़रूरत होती है। फीडबैक इट मीन्स कि क्लोज लूप जो है उसका एग्जांपल मैं लेती हूँ एसी। तो एसी का हमने टेम्परेचर चेंज किया तो वो क्या होगा, आउटपुट से फीडबैक थ्रू ये एरर सिग्नल में जाएगा, ओके। तो ये एरर सिग्नल हमें बताएगा, क्या बताएगा, एरर सिग्नल हमें बताएगा कि हमें टेम्परेचर अभी चेंज करना है, ओके। तो वैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो उसमें फीडबैक प्रेजेंट होता है, वो अपने आप सेल्फ करेक्शन भी कर सकता है, और उसकी एक्यूरेसी भी कितनी होती है, हाई होती है। ये हुआ ओपन लूप और क्लोज लूप की बारी। अब यहाँ पे क्लोज लूप में एम्पलीफायर दिया है, तो ये एम्पलीफायर का क्या मतलब हुआ, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ओके। यहाँ पे दो हमें डायग्राम दिए हैं। ओपन लूप में क्या होता है, इनपुट देते हैं तो कंट्रोलर आता है, फिर कंट्रोल प्रोसेस होता है, और फिर आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने फ़ैन की बात की। अब क्लोज लूप में मैंने एग्जांपल एसी का लिया था, उसमें क्या होता है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, फिर एम्पलीफायर होता है, फिर कंट्रोलर प्रोसेस होता है। अब मैंने रूम के हिसाब से टेम्परेचर को मैंने चेंज किया तो वो फीडबैक थ्रू एरर सिग्नल में जाएगा, और वो वहाँ पे प्रोसेस होगा, और फिर आगे जो भी मैंने टेम्परेचर दिया वही वर्क करेगा, ओके। अब इस वीडियो में हमने ओपन लूप और क्लोज लूप के बारे में पढ़ा, अगले वीडियो में हम दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, ओके। चलो।